गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज हम जा रहे हैं योगी जी से मिलने और आज बहुत खुश हैं, हम भी खुश हैं और हमारे दोस्त भी खुश हैं, क्योंकि आज हम बता दें हमारे गांव, हमारे शहर, हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में आने वाले योगी जी पहली बार। तो चलिए आपको हम सारी चीज़ दिखाएंगे, वीडियो का पूरा दूसरे का एंड तक देखेंगे तो आप सारी चीज़ें देख सकेंगे कि कितनी माहौल है वहाँ पर, कितनी भीड़ लगी, कितनी गाड़ियाँ आई है, सारी चीज़ आपको ए टू जेड दिखाने वाले इस वीडियो में। बस आप वीडियो में बन रहिएगा। ये जगह है, काफ़ी यहाँ भीड़ लगी हुई है, आप देख सकते हैं गाइस। तो गाइस हम फाइनली अब चल रहे हैं स्टेज की तरफ, अब देखते हैं क्या पता हमें ऊपर एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट हम ट्राई करेंगे आपको सारी चीज़ दिखाने के लिए। योगी जी से हम मिलने वाले हैं और उनसे बातचीत करने वाले हैं, सारी चीज़ आपको दिखाएंगे। बस वीडियो में बन रही, बाकी हम यहाँ पर अपना बाइक लगा चुके हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ लगी हुई है। एक्चुअली अभी बाइक की भीड़ लगी हुई है, तो धीरे धीरे पब्लिक आ रही है, इसलिए अभी उतनी भीड़ नहीं लग रही है। चलिए वीडियो में बन रही है। आप जून जुलाई और अगस्त में 3 महीने पहले राज्य सरकार ने भी फ्री में खाद्यान्न दिया और सरकार ने अंत्योदय कार्ड धारक को की सुविधा का लाभ मिले, विधवाओं को विधवा पेंशन, वृद्धाओं को वृद्धा पेंशन, दिव्यांगों को दिव्यांगजन पेंशन का लाभ मिले, बड़े बड़े विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, कई मेडिकल कॉलेज, कई महाविद्यालय, कई विश्वविद्यालय, ये सभी निर्माण कार्य जहां प्रारंभ हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार इस कार्य के लिए भी पूरी मजबूती के साथ और पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदेश के युवाओं के साथ हम योजना और सबको वैक्सीन फ्री में वैक्सीन भी सबको दिया। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है यहाँ पे? लोगों ने बहुत अच्छे हैं, आपने वैक्सीन लगाया है, आपका मैं अभिनंदन करता हूँ। जो लोग अभी तक वैक्सीन नहीं लिए हैं उनको बोलो मुझे वैक्सीन जरूर दे, उनको बहकावे बताना, चरित्र गिरगिट के साथ रंग बदलने वाले लोगों के उसमें बताना। जो लोग कहते हैं घर में चुपचाप वैक्सीन लेते हैं, बात बाहर कहते हैं मैं नहीं, और मैंने कभी कहा था कुछ लोग अब्बा जान से सीखे होते कि वैक्सीन लेने का प्रभाव है, बहुत अच्छा किया है। और मैं आप सबसे कहूंगा कोरोना वॉरियर्स के रूप में आप सबकी जिम्मेदारी बनती है राष्ट्र, ये हर एक व्यक्ति को बचाने की, मानवता को बचाने की कवायद है, और इसलिए मानवता को बचाने के सर्वश्रेष्ठ अभियान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में हर एक भारतवासी का दायित्व बनता है कि जिन लोगों ने तक वैक्सीन नहीं ली है उन लोगों को भी वैक्सीन लेने के लिए हम प्रेरित करें, वे लोग भी वैक्सीन ले लें, एक सुरक्षा कवच प्राप्त होगा। एक तरफ वैक्सीन और कोरोना कालखंड में स्कूल कॉलेज बंद हुए, मैं देखता था हमारा युवा पढ़ाई करना चाहता है लेकिन स्कूल कॉलेज बंद है, बहुत सारे युवाओं के पास स्मार्टफोन या टैबलेट नहीं, जगह जगह जाकर कैंप लगा करके उन युवाओं को स्कूल कॉलेज में देने का काम करेगा। युवाओं के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो फिर उसको सोच लेना चाहिए कि इसके बाद क्या होगा। किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। विगत 4.5 वर्ष में 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी गई और अच्छी कानून व्यवस्था के कारण प्रदेश के अंदर हर एक नौजवान के लिए नौकरी की संभावना को आगे बढ़ा करके 1,61,00,000 से अधिक नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधा प्रदेश में प्रदान की गई। एक जनपद एक उत्पाद
धन्यवाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से स्वतः रोजगार के साथ 60 लाख से अधिक लोगों को जोड़ने का कार्य हुआ। नौकरी हो या कोई भी प्रयास, पूरी पारदर्शी ईमानदार तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। आज सुबह जब मुझे एक समाचार मिला कि बीपीसी टीटी का अध्यक्ष हुआ, प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा उसके माध्यम से, लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है, उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरूद्ध करने जा रहे हैं। 23 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और फंड में क्या किसी विपक्ष के नेता को आपने देखा? नहीं, कोई सपा का प्रदेश स्तरीय नेता आया? बसपा का, कांग्रेस का कोई नेता दिखाई दिया? कुकुरमुक्ताओं की तरह उगे कुछ अन्य लोगों को देखा? ये सभी के सभी लोग 1.5 वर्षों तक प्रधानमंत्री होम आइसोलेशन में थे, यानी अपने घर के अंदर दरवाजा बंद करके छुपे हुए थे। अरे वैक्सीन वो लगा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार रही हो या फिर प्रदेश की सरकार, माननीय सांसद बन रहे हो या विधायक, ये लोग गांव गांव में जाकर के हर एक व्यक्ति का हाल चाल ले रहे थे, उनको सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य। और मैं तो पूरे प्रदेश के अंदर और उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रबंधन देश के अंदर और दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन करके भी दिखाया। सबसे बड़ी आबादी हमारी थी, लेकिन आप सबके सहयोग से हेल्थ वर्कर्स, प्रशासनिक टीम, जनप्रतिनिधि, कोरोना वॉरियर्स, इन सब ने मिलकर के जो सहयोग किया, उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा परिणाम दिया है। आपको मानते हैं उत्तर प्रदेश ने कितने वैक्सीन अब तक दे दिए हैं? अब तक हम लोग 15,84,00,000, यानी आज उत्तर प्रदेश, यानी कल तक उत्तर प्रदेश 16 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे चुका होगा। 16 करोड़ तो दुनिया के तमाम देशों की आबादी नहीं है, लोगों को हम वैक्सीन दे रहे हैं और फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। ये परिणाम अगर हम देने में सफल हुए इसलिए क्योंकि केंद्र और प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, दुगनी तिगनी ताकत चलती है। जब डबल इंजन की सरकार चलती है तो विकास होता है, लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। जब डबल इंजन की सरकार चलती है और गांव की, हर गरीब की, हर किसान की, हर नौजवान की सुनवाई होती है, तो कोई बेच नहीं सकता। हमारे देवरिया चीनी का कटोरा कहा जाता है, यही साइड रही थे, चीनी का कटोरा कहा जाता है। लेकिन भाइयों बहनों, बसपा की सरकार के समय और सपा की सरकार के समय 21 चीनी मिलें बेची गई है, यानी यहाँ के नौजवानों को बेरोजगार करने वाले, यहाँ के किसानों के पेट पर लात मारने वाले सपा बसपा के लोगों को कैसे यहाँ की जनता बर्दाश्त करती है? ये लोग आपकी संपत्ति पर डकैती भी डालते हैं, बेरोजगारी भी फैलाते हैं। चीनी मिलों को बेच करके आने पौने काम पर बेचे थे और उसके बाद सीमा चौड़ा करके आपके सामने बड़ी बेशर्मी के साथ आते हैं, कहते हम कल्याण करेंगे। अरे जब तुम्हें मौका मिला था तब क्या कर रहे थे? तब तो दंगा करवा रहे थे, तब नोट खसोट करवा रहे थे, विकास की योजनाओं का बंदर बांध कर रहे थे, गरीब को खाद्यान्न नहीं मिलता था, उपचार के लिए हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं थी। और अगर दुर्भाग्य से उस समय कोरोना आया होता तो कहीं बाप बेटे भागे होते, कहीं बबुआ और बुआ के लापता हो गए होते, चाचा भतीजा गायब हो गए होते, भाई बहन का कहीं पता नहीं होता और
प्रदेश की जनता तड़प तड़प करके कोरोना की चपेट में, यहाँ पर उसकी चपेट में आकर के तड़प रही होती, लेकिन हम लोगों ने कोरोना काल खंड में किसी का साथ नहीं छोड़ा, मजबूती के साथ खड़े रहे। और इसीलिए आज हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं, ये विकास इसलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। योजना का लाभ इसलिए मिल रहा है क्योंकि केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बिना भेदभाव के मिल रहा है। योजना का लाभ मिल रहा है, इसमें कोई न जाति का भेद है, न मत का, न मजहब का, न क्षेत्र का, न भाषा का, एक ही भाव है, सबका साथ और सबके विकास। एक तरफ सबके साथ और सबके विकास का, और दूसरी तरफ आस्था के सम्मान का भी भाव है। आस्था का सम्मान, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भी बना है। क्या ये राम मंदिर कांग्रेस का बना पाती, क्या मोहन जी बना पाती, क्या भगवा बनाते, उनका हिम्मत ही नहीं। आज भी वे कहीं मंदिर में जाते हैं तो 10 बार सोचते हैं कि जाएं का ना जाएं। और इसलिए भाइयों बहनों, आस्था का सम्मान हो, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, अपराधी और माफियाओं को साथ सख्ती से निपटने की कार्रवाई हो, बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ प्रदान करने का हो, देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान का हो, या फिर विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं विश्वविद्यालय, कहीं एयरपोर्ट, कहीं चीनी मिल, ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। देवरिया जनपद के लिए मैंने कहा यहाँ के प्रशासन से, देवरिया कुशीनगर जनपद में जमीन उपलब्ध कराओ, एक नई चीनी मिल हम यहाँ पर जरूर देंगे। चीनी का कटोरा कहा जाता था और उस दिशा में गंभीर प्रयास प्रारंभ हो रहे हैं। सपा बसपा भारतीय जनता पार्टी नवनिर्माण का कार्य कर रही है और उस कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए आज मैं आपके बीच यहाँ पर आया हूँ। आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा, भाजपा रानी ने 2017 में को बिना भेदभाव के ब्याज सहित भाजपा को वापस कर मांगने के लिए मैं आया हूँ आपके पास। आप सभी लोग 2022 के लिए अभी से कमर कसें, मजबूती के साथ जहाँ कमन होगा वहाँ पर हर जनता को बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा होना होगा। और जब ये संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो विकास भाइयों बहनों आपके चरणों में झूमता हुआ दिखाई देगा। यही कहने के लिए आज मैं आपके बीच यहाँ पर आया हूँ। मैं एक बार फिर से जुड़े हुए बलिया जनपद से जुड़े हुए जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि आए हैं, इनके द्वारा, माननीय सांसद, माननीय विधायक के द्वारा जो प्रयास विकास के लिए हो रहा है और सार्थक अभियान है, अभिनंदनीय है। मैं इसके लिए उन सबका हृदय से उन्हें बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप सभी को इन सभी परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। अरे कृपा जी कैसे हो? जय श्री राम। बाबा के नाम क्या
पेट्रोल खत्म हो चुका यार। अबे जब उड़ते रहे। रुक जाओ शुभम लास्ट। हाँ ब्रो घुमाओ घुमाओ, अरे घुमाओ 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 शुभम घुमाओ।